हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और स्ट्रिंग ऑपरेशन की। तो देखिए, जैसे दो ऑपरेशन तो हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था कि सब स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं और उसकी लेंथ वगैरह कैसे लेते हैं। आज हम लोग कुछ और स्ट्रिंग के ऑपरेशन, जैसे इंडेक्सिंग हो गया, कॉन्कैटिनेशन हो गया, लेंथ हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग ऑफ ए स्ट्रिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि इंडेक्सिंग का मतलब, इस इंडेक्सिंग को पैटर्न मैचिंग भी बोलते हैं। पहले तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंडेक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज पैटर्न मैचिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट रिफर्स टू फाइंडिंग द पोजीशन वेयर ए स्ट्रिंग पैटर्न पी फर्स्ट अपीयर्स इन ए गिवेन स्ट्रिंग टेक्स्ट टी। वी कॉल दिस ऑपरेशन इंडेक्स। यानी कि हम मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग, या पहले हम इसका आपको सिंटेक्स लिखते हैं कि से सपोज कि इसको हम ऐसे देते हैं इंडेक्स। यहाँ हमने लिखा स्ट्रिंग और यहाँ हमने लिखा पैटर्न। ये तो इसका सिंटेक्स होता है, इस तरह हम लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई स्ट्रिंग एस है, उसमें हमें पैटर्न पी को चेक करना है कि पैटर्न पी पहली बार कहाँ पे अपियर हो रहा है। तो हम इस तरह लिखेंगे इंडेक्स, स्ट्रिंग का नाम दे देंगे यहाँ पे, पैटर्न दे देंगे यहाँ पे, तो वो हमें लोकेशन बता देगा। और मान लीजिए आपने कहा कि सर ये पैटर्न नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, इफ द पैटर्न पी डज नॉट अपियर इन द टेक्स्ट टी देन इंडेक्स इज असाइंड द वैल्यू 0। ठीक है, तो क्या होगा, इंडेक्स को क्या, कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इस चीज को आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास जो टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट है हमारे पास, वो है आपका, से हमने कहा सपोज टी कंटेन्स द टेक्स्ट। ये टी कोई स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो टेक्स्ट स्टोर है, ठीक है, वो क्या है। मान लीजिए टी में ये टेक्स्ट स्टोर है, से टी हमने लिखा कि टी कंटेन्स, इसके अंदर है टेक्स्ट, सपोज कीजिए हमने लिखा कि से हिज फादर, ठीक है, इज द प्रोफेसर। ये मान लीजिए टेक्स्ट है जो टी में स्टोर है, ठीक, टी क्या है, स्ट्रिंग का नाम। अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ये कमांड दिया, अगर हमने कहा से इंडेक्स कहाँ देखना है, टी में, ठीक, और क्या सर्च करना है पैटर्न हमको, द टी एच ई। अगर हम ये कमांड देंगे तो हमें ये जानते हैं क्या वैल्यू देगा, ये हमको रिजल्ट देगा। देखिए हिज फादर इज द आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो ये आपको वैल्यू देगा। अच्छा, इसके पहले, इस द के पहले देखिए द यहाँ भी आ रहा है, तो इसको पैटर्न मैच करेगा वो। तो 1 2 3, ये ब्लैंक स्पेस, 4 5 6 7, सातवें करेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको 7 रिटर्न करेगा, ये वैल्यू आएगी। फिर मान लीजिए आपने कहा कि इंडेक्स टी में हमें देखना है और पैटर्न हमने दे दिया, इसको पैटर्न दे दिया हमने, देन टी एच ई एन, ठीक है। अब यहां से आप देखिए तो देन कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसमें देन कहीं पे नहीं आ रहा, टी एच ई तक तो है लेकिन एन नहीं है, कहीं पे भी नहीं है पूरे स्ट्रिंग में, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक, फिर हमने नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लीजिए। हमने कहा इंडेक्स टी कॉमा, हमने यहाँ पे दिया द, निकालना है हमें लेकिन उसके आगे और पीछे ब्लैंक चाहिए, मतलब जैसे ब्लैंक स्पेस के लिए अगर हम ये जैसे यूज करते आ रहे हैं ये, फिर हमको चाहिए टी एच ई, फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस चाहिए, मतलब द के आगे और पीछे एक ब्लैंक स्पेस चाहिए, ये हमने ऐसे पैटर्न में डाला है। तो अब ये क्या करेगा, सर्च करेगा, तो देखिए यहाँ पे द है लेकिन इसके पहले ब्लैंक नहीं है,
या इसके बाद भी ब्लैंक नहीं है तो फिर इसको स्किप कर जाएगा, फिर पहुंचेगा यहाँ पे, तो इसके पहले ये ब्लैंक है और इसके बाद ये ब्लैंक है, तो ये जो पहला ब्लैंक है ये रिक्वायर्ड पोजिशन होगी, है ना। तो यहाँ से रिक्वायर्ड पोजिशन आप देखें तो देखिए कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये ब्लैंक स्पेस 14, यहीं से स्टार्ट लेना हमें, तो यहाँ पे आंसर देगा 14। तो इस तरह से इंडेक्स ऑपरेशन परफॉर्म होता है स्ट्रिंग के लिए। अब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जैसे देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इनका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफर करता है। जैसे अब हमने कहा मान लीजिए हम PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर कैसे देंगे, इसके अंदर हम इंडेक्स लिखते हैं, फिर यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे और फिर जो पैटर्न सर्च करना है वो लिखेंगे। मान लीजिए हम USCD पास्कल यूज करते हैं, UCSD पास्कल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे POS और यहाँ पहले हम पैटर्न लिखेंगे उसके बाद हम टेक्स्ट देंगे, ठीक है। तो इसमें ये, इसमें एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ देखिए ऑर्डर जो है इनका रिवर्स है, हर जगह तो पहले टेक्स्ट या पहले स्ट्रिंग फिर पैटर्न है, पास्कल में पहले पैटर्न देते हैं फिर टेक्स्ट देते हैं, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं इस ऑपरेशन को, उसी हिसाब से आपको सिंटेक्स देना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है कि मान लीजिए नेक्स्ट ऑपरेशन हम बात करते हैं कॉन्केटिनेशन। अब देखिए कॉन्केटिनेशन क्या होता है, कॉन्केटिनेशन इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने कहा लेट S1 एंड S2 बी टू स्ट्रिंग, देन द कॉन्केटिनेशन ऑफ S1 एंड S2 विल बी डिनोटेड बाय S1 डबल स्लैश S2 इज द स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ द करेक्टर ऑफ S1 फॉलोड बाय द करेक्टर ऑफ S2। मतलब क्या हुआ कि अगर दो स्ट्रिंग हमारे पास S1 और S2 है तो इनका कॉन्केटिनेशन कैसे शो करते हैं, ये डबल एस ए स्लैश लाइन से, ठीक। और ये क्या करता है, S1 कॉन्केटिनेशन S2 का मतलब क्या हुआ कि आपको करेक्टर ऑफ S1 स्ट्रिंग और उसके फॉलोड बाई करेक्टर्स ऑफ S2 स्ट्रिंग, ये होता है कॉन्केटिनेशन, मतलब जोड़ देना सीधा बैक टू बैक। मतलब कि क्या हुआ कि सपोज कीजिए हमने कहा कि एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल हमने लिया, इसमें S1 को मार्क किया, S1 इक्वल टू हो गया हमारा मार्क, हमने कहा MARK मार्क, और S2 हो गया, ये हमने लिखा ट्वेन से TWAIN, ठीक। अब इनको अगर हम कॉन्कैटिनेट करेंगे दोनों स्ट्रिंग को, तो हमने लिखा S1 कॉन्कैटिनेशन S2, ये सीधा सीधा हो जाएगा, देखिए MARK पहला स्ट्रिंग इसी के साथ में TWAIN दूसरा स्ट्रिंग, तो ये रिजल्ट हमको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको आप ये चाहते हैं कि इसके बीच में ब्लैंक रहे तो आपको इस तरह देना पड़ेगा, S1 को कॉन्केटिनेट किया पहले हमने एक ब्लैंक स्पेस से, ये ब्लैंक स्पेस है, फिर कॉन्केटिनेशन किया हमने S2 को, तो ये फिर आपका आएगा मार्क, फिर ये स्पेस आ जाएगा, फिर आएगा TWAIN इस तरह से, ठीक। अब इसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉन्केटिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस क्या हो जाएगा, PL1 आ गया आपका इस तरह S1 वर्टिकल लाइन S2 इस तरह दिखाते हैं, फोरट्रॉन 77 में ये
इस तरह दिखाते हैं। बेसिक में इस तरह दिखाते हैं, और स्नोबॉल में S1 S2। ठीक है, बस ये है कि हाँ सॉरी, इसको S1 फिर एक स्पेस दीजिएगा S2, इस तरह लिखाते हैं। ठीक, तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्कैटिनेशन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद आपका एक और ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रह जाता है, वो रह जाता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। इसमें क्या होता है कि द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड इट्स लेंथ। किसी भी स्ट्रिंग में जो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं उसको हम उसकी लेंथ बोलते हैं। तो हम ये हम उसको हम इस तरह से लेंथ, और यहाँ हम स्ट्रिंग का नाम दे देंगे, बस इतना से करना है आपको। यानी अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें कि से फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया कि मान लीजिए हमने लिखा लेंथ और यहाँ स्ट्रिंग हमने दे दिया कंप्यूटर। इस तरह इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करेक्टर, तो ये आ जाएगा 8। फिर ऐसे मान लीजिए हमने चेक किया कि लेंथ, और हमने कहा ब्लैंक स्पेस दिया हमने कुछ ये इस तरह, तो ये इसका लेंथ कितना देगा, ब्लैंक स्पेस में तो कोई करेक्टर हुआ नहीं तो इसको देगा 0। फिर इस तरह की बजाय अगर मान लीजिए हमने इस तरह लिखा लेंथ और कोट्स लगाया, ब्लैंक स्पेस दे दिया, कोट्स लगा दिया ऐसे, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब इसमें बात आती है फिर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो हम यहाँ लिखेंगे इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, कैसे लिखते हैं इसको, PL1 में, PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे लेंथ और यहां दे देंगे स्ट्रिंग। ठीक, बेसिक लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं इसको, इसको हम दे देंगे लेंथ LEN और स्ट्रिंग UCSD पास्कल में। इसमें हम इस तरह लिखेंगे लेंथ और यहाँ हम लिख देंगे स्ट्रिंग। और स्नोबॉल में हम इसको कैसे मेंशन करते हैं, स्नोबॉल में हम मेंशन करते हैं साइज और स्ट्रिंग। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि फोरट्रॉन एंड स्टैंडर्ड पास्कल विच यूज फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग वेरिएबल्स डू नॉट हैव एनी बिल्ट इन लेंथ फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग, हाउएवर सच वेरिएबल्स मे बी व्यूड एज हैविंग वेरिएबल लेंथ इफ वन इग्नोर्स ऑल ट्रेलिंग ब्लैंक्स। सो अकॉर्डिंगली वी कैन राइट ए सब प्रोग्राम लेंथ इन दीज लैंग्वेजेस, क्योंकि इसमें ये लेंथ वर्ड जो है, ठीक है, वो फोरट्रॉन और पास्कल में, ठीक है, कोई फंक्शन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, एक सब प्रोग्राम डिक्लेयर कर देते हैं, और उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इस तरह की जैसे हमने कहा मान लीजिए हमने लिखा लेंथ, यहाँ पे हमने कोई स्ट्रिंग दिया से मार्क, और हमने लिख दिया 4, और जो ट्रेलिंग ब्लैंक्स होता है उनको ट्रिम करने के लिए, उनको हटाने के लिए स्नोबॉल लैंग्वेज में, स्नोबॉल में क्या होता है, एक हैज ए बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन, कौन सा होता है, ट्रिम। ठीक है, ये क्या करता है, पीछे जो ट्रेलिंग ब्लैंक्स है
उनको हटा देता है। ठीक, मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा ट्रिम और आपने ये दे दिया से मार्क, और इसके साथ इतना ट्रेलिंग ब्लैंक है और फिर यहाँ कोट्स लगा हुआ इस तरह है, तो ये ट्रिम करके इन ब्लैंक्स को हटा देगा और आपको रिजल्ट में केवल ऐसे मार्क देगा ऐसे। ठीक, तो ट्रिम फंक्शन को कभी कभी हम एल्गोरिथम्स में यूज करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑपरेशन ऑन ए स्ट्रिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।